Hi. One of the frequent questions asked by client is, what is walk-in closet? What is its benefit? हम walk-in closets क्यों देते हैं अपने घरों में? उसके benefits क्या हैं? क्यों नहीं हम shutters वाली wardrobes देते? तो आज मैं आपके साथ discuss करने लगा हूँ walk-in closets के फायदे. One, see, this is a walk-in closet जहाँ मैं था. बाहर ही shutter है with ये डस्ट प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है. इसमें मिट्टी नहीं अंदर एंटर कर सकती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो घर को यूज़ करती हैं वो मुझे क्वेश्चन करती है कि नहीं डस्ट वगैरह अंदर जाएगी, इसलिए ओपन वार्डरोब्स ना दो. तो ये बाहर शटर लगा हुआ है, ये खुला, हम एंटर किए वॉक इन क्लोजेट में. हम जैसे ही वॉक इन क्लोजेट में एंटर किए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट का आता है कि कुछ स्टोरेजेस हिडन होंगी कि नहीं होंगी. येस, कुछ स्टोरेजेस हैज़ टू बी हिडन. जैसे आप वो देख सकते हो, ड्रॉर्स हैं, जैसे यूजीज वगैरह रखने हैं, कुछ ऐसी चीज़ रखनी है, कुछ लॉकर्स हमें चाहिए, तो वो सारे हिडन आ जाएंगे. बट बाकी बाहर वाले फसाड पे हमने वार्डरोब के कोई भी शटर नहीं दिया. क्यों नहीं दिया शटर? सी, अगर यहाँ शटर होता तो मुझे ये कपड़े ओपन ना दिख रहे होते. अब अगर जैसे यहाँ पे शूज़ लगे हुए हैं, अब मुझे क्लियर विजिबिलिटी है कि मेरे पास कौन कौन से शूज़ हैं, क्या क्या पहनना है. नहीं तो कई बार हम लोग 80% कपड़े हमारे पीछे छिपे रह जाते हैं, जो हम अपनी लाइफ में भी कभी नहीं पहनते हैं, वो आते हैं और हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम जब वो फ्रेश थे वो पहन ही नहीं सके, क्योंकि वो वार्डरोब्स पे ऊपर नहीं आए. अब अगर यहाँ इस वार्डरोब ओपन वार्डरोब में मैं खड़ा हूँ, मेरे को एक एक कपड़ा क्लियरली दिख रहा है. यहाँ पे बाहर स्लाइडर्स भी लग जाते हैं, जैसे ये स्लाइडर्स लग जाते हैं. सी, ये स्लाइडर लग गया. अब वॉचेस वगैरह पड़ी हैं, तो मेरे पास एक्सेसरीज बहुत तरह की अवेलेबल हैं इसमें. ऐसे सब कुछ बाहर आके हम बड़े इजीली हम देख सकते हैं. ऐसे ही ट्राउज़र्स वाले आते हैं, ऐसे अंदर शटर लगाओ, अंदर लॉकर फिट हो जाता है. तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओपन वार्डरोब्स में भी. अब मुझे पर्सनली ये लगता है, जैसे यहाँ शटर लगा होता तो मेरा टाइम भी कंज्यूम होता, कभी शटर इधर कर, कभी उधर कर, कभी देख उधर चीज़ पड़ी है, इधर पड़ी है कि इधर पड़ी है. वंस इंस्टेंस में मेरे को क्लियर है मेरा कौन सा सामान किधर पड़ा है. सेकंड, कॉस्ट, जो इसके ऊपर कॉस्ट ऐड होनी थी जब मैंने ये सब लगाने थे शटर, इसकी भी कॉस्ट ऐड होनी थी, तो मुझे एक ही शटर देना पड़ा, बजाय कि वहाँ मेरे को 3 times, 4 times, 5 times कई बार ज़्यादा देना पड़ता है. ये एक शटर सारा काम कर रहा है. एस्थेटिकली कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे शोरूम में कपड़े लगे होते हैं वैसे लगे हुए हैं, नीट एंड क्लीन है. कुछ अगर ये शटर लगाओ तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है हम पीछे बहुत ज़्यादा सफाई से सामान नहीं रखते हैं. और फिर ऐसी वॉक इन क्लोजेट्स में हम ओवरहेड स्टोरेजेस भी, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हम क्लोज भी दे सकते हैं और ओपन भी दे सकते हैं. क्लोज देने का ये बेनिफिट है कि कुछ फालतू सामान जो हमारे घर का होता है वो ऊपर हम स्टोर करके पल्ला बंद हो जाएगा. सेकंड, अगर हम ओपन देते हैं तो हमारी रेगुलर जो लॉन्ड्री है, जो हमारे ब्लैंकेट्स हैं एक्स्ट्रा, उस रूम के लिए वो रख सकते हैं. और इसी तरीके से जो ये शटर्स हैं, जो हम बाहर वाला जो मेन शटर देते हैं, उसके भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं. फ्लूटेड ग्लास है, लेकर ग्लास है, इसको डीको फिनिश में देना है, और एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है जिसमें हम ये दे सकते हैं. तो होपफुली आपको मेरी वॉक इन क्लोजेट्स देने का रीज़न क्लियर हो गया होगा. और अगर आप लोग अपना घर बना रहे हो तो प्लीज़ ये गलती मत करना, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है वहाँ वॉक इन क्लोजेट ज़रूर देना. थैंक यू.